नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का गीतांजलि की रसोई में स्वागत है। आज मैं एक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेके आई हूँ, पालक का कोफ्ता। चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप लोग मेरे फूल से मिल लीजिए। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। देखिए बहुत सुंदर ये हमारा फूल है। फ्रेंड, जब हमें काम से फुर्सत मिलता है, हम अपने फूल के पास आके इसको इस तरह से छू छू के देखते हैं, बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो आप लोग भी देखिए कितना सुंदर ये हमारा फूल है। हम आपको बहुत पास से दिखा रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर है। जो नेचुरल फूल होता है ना, उसका तो अलग ही एक आनंद आता है। आर्टिफिशियल तो देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन छूने में उतना बढ़िया नहीं लगता। चलिए आप हमारे किचन में, फ्रेंड आ गए हैं हम अपने किचन में, तो हम अपना रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमें पता था फ्रेंड कि आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए आज हम बहुत दिन के बाद आए हैं आप सबके सामने। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा पालक है। पालक को सबसे पहले अच्छा से इसको धुल के, उसके बाद हम पूरे खड़े खड़े को धुल के काट लेते हैं। तो फिर हम आपसे मिलते हैं। आज हम आपके लिए बनाएंगे फ्रेंड पालक का कोफ्ता, एकदम आराम से। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आराम से पूरा वीडियो देखिएगा, तब तो समझ में आएगा कि गीतांजलि कितना अच्छा खाना बनाती है ना फ्रेंड? मैं सच बोल रही हूँ ना? ठीक है, तो मिलती हूँ मैं थोड़ा देर। तो देखिए फ्रेंड, पालक को अच्छी तरह से धुल के, सबसे पहले इसको काट के 3 से 4 पानी चेंज कर करके इसको अच्छी तरह से धुल लिए हैं। इसका पानी भी हम अलग कर लिए हैं। अब इसमें मैं डालना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले 3-4 मिर्ची, हरी मिर्ची डाल देना है। इसके बाद थोड़ा सा डाल दीजिए अजवाइन और मंगरैला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद डाल दीजिए नमक आधा चम्मच, क्योंकि हमें कोफ्ता बनाना है, पहले पकौड़ी तैयार करना है। आधा चम्मच नमक डाल दीजिए। और इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं सरसों का तेल, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच। और ये हमारा बेसन है, 200 ग्राम, 200 ग्राम बेसन है फ्रेंड। साग का कोफ्ता या पकौड़ी कुछ भी बनाइए, उसमें बेसन थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो सारे बेसन को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको मिला के फिर हम आपसे अच्छी तरह से मिला के मिलते हैं। इधर गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए दे दिए, तो कढ़ाई हमारा गर्म हो रहा है। देखिए फ्रेंड, तो साग को अच्छी तरह से हम मिला लिए हैं फ्रेंड। इससे पहले मैं एक बात बताती हूँ आपको, अगर आप साग पालक के कोफ्ते या किसी भी साग आइटम का बनाइएगा, कोफ्ता या पकौड़ा, तो उसमें बेसन ज़्यादा लगता है, जैसे कि हमारी प्रीति दीदी बताई थी। ये देखिए फ्रेंड, तेल भी हमारा गर्म हो गया है। तो इस तरह से कचड़ी टाइप टाइप का तेल में हम डाल देते हैं। कितना हमारा तेल में आएगा, 4-5 कर करके इस तरीके से डाल देंगे हम। इसको मिलाने में भी फ्रेंड थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये साग है। आप इसमें चाहे, आपका अगर मन है तो इसमें 2-3 आलू उबाल के डाल सकते हैं, ताकि ये अच्छे से मिल जाए। इस तरीके से डाल देंगे हम। तो हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में पकौड़ी को फ्राई करके। तो हमारा कोफ्ता फ्राई हो रहा है फ्रेंड, इसी तरह से 2-2 मिनट में पलट पलट के फ्राई कर लेंगे हम। आप लोग देख लीजिए, ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर कर के पकौड़े को तल लेना है। देखिए कितना अच्छा ये हमारा लग रहा है देखने में। इसको आप सूखा भी खा सकते हैं, इसका सूखा भी मजा ले सकते हैं। पता नहीं आज हमारा कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा। एक बेस्ट फ्रेंड हमारा और है इधर, ये देखिए, जो कि फ्राई हो रहा है। इसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारा पकौड़ी बन के तैयार हो गया है।
थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया फ्रेंड, इसको थोड़ा सा सूखा रखेंगे हम, थोड़ा थोड़ा सा रस लगाएंगे। तो इधर देखिए अब तड़का का तैयारी कर लेते हैं। ये हमारा सरसों लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच हमारा था पीला सरसों और 3-4 लहसुन ले लिए थे फ्रेंड। लहसुन थोड़ा ज़्यादा लिए हैं क्योंकि ये हमारा पालक है, ये हमारा टमाटर प्यूरी है, देख सकते हैं आप। तो चलिए तड़का की तैयारी करते हैं हम। अब इसमें मैं डाल देती हूँ सरसों का तेल, आवश्यकता अनुसार डाल दीजिए आप भी। तेल गरम होने के बाद डाल देंगे पंचफोरन, पंचफोरन को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो फोरन हमारा लाल हो गया तड़का, इसमें मैं डाल देती हूँ सरसों लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, टमाटो प्यूरी और कुछ सूखे मसाले, मिर्ची 1.5 चम्मच। इसमें थोड़ा मसाला ज़्यादा लगेगा फ्रेंड क्योंकि ये पालक है तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए आप भी। छोटी चम्मच से 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, सभी को अच्छी तरह से मिलाएंगे हम और स्वाद अनुसार नमक। गैस का फ्लेम रहेगा हमारा मीडियम, लो टू मीडियम करके मसाला को अच्छी तरह से फ्राई करना है 7 से 8 मिनट। 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक। देखिए फ्रेंड 5 मिनट मसाला को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं, तेल हमारा किनारे किनारे से आप देख सकते हैं निकलने लगा है। और लेकिन फ्रेंड अभी 2-3 मिनट और अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाला से हमारा खूब अच्छा एकदम टेस्टी खुशबू आने लगे। ये देखिए फ्रेंड हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है, भुना के मतलब। आहा, बहुत अच्छा खुशबू भी आने लगा है इसमें से, एकदम मछली वाला टेस्ट खुशबू आ रहा है मसाला का। चलिए इसमें मैं कुछ रस ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा पानी, आवश्यकता अनुसार आप भी डाल दीजिए जितना आपको आवश्यकता है। मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी फ्रेंड, नहीं तो रस पतला हो जाता है तो फिर सब्जी का टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आता है। इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं, 2 से 3 मिनट इसमें उबाल आने देंगे फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड रस में इसी वक्त थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। कस्तूरी मेथी डालना इस कोफ्ते में बहुत ही आवश्यकता है, अति आवश्यक है। इसके बाद कोफ्ता के साथ धनिया पत्ता भी डालेंगे हम, आप आराम से देखिए। ये देखिए फ्रेंड धनिया पत्ता को कट कर लिए हैं अच्छी तरह से बारीक की। चलिए हम आपको रस दिखाते हैं। ये देखिए रस भी हमारा अच्छी तरह से उबाल आने लगा है। इसमें सारे पकौड़े को मैं आराम आराम से डाल देती हूँ, आराम आराम से एकदम सावधानी पूर्वक से डाल देना है और इसके ऊपर से धनिया पत्ता डाल देना है। 3 से 4 मिनट फ्रेंड इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, इसके ऊपर से धनिया पत्ता डाल देंगे हम। ये देखिए फ्रेंड धनिया पत्ता भी डाल दिए हैं, इसको 4 से 5 मिनट उबलने देंगे, ज़्यादा नहीं उबलेगा, उबाल आने देंगे फ्रेंड नहीं तो ये टूट जाएगा हमारा। ये देखिए फ्रेंड रस भी हमारा उबल चुका था अच्छी तरह से, तो इसको हम प्लेटिंग भी कर लिए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो हम इसको प्लेटिंग कर लिए हैं, देखिए कितना टेस्टी ये लग रहा है। तो अभी तो कैमरा फोकस नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन ये हमारा बहुत ही टेस्टी लाजवाब बहुत ही बेहतरीन सब्जी बना है। तो आप लोग देख लीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।